गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP101T। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसमें डिफाइन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हाउ मैनी बॉडी सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। क्लियर, बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बॉडी। क्लियर, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक लाइफ प्रोसेस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, देन हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक लाइफ प्रोसेस। नेम इंडिकेट कर रहा है कि बेसिक लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस जो लाइफ के लिए नेसेसरी हो, जरूरी हो, आवश्यक हो, उसे बोल देंगे लाइफ प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन देखिए, बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ। देयर आर द फॉलोइंग बेसिक लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट इज द न्यूट्रिशन, सेकेंड इज द रेस्पायरेशन, थर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज द एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में देखिएगा, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म और पर्सन कैन टेक फूड एंड यूटिलाइज दिस फूड इन लाइफ। क्लियर है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द सेल। क्लियर है कि नहीं, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करेगा और उस फूड का यूटिलाइजेशन करेगा। क्लियर, नेक्स्ट है रेस्पायरेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल इनटेक द ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल इनटेक द ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ऑक्सीजन इनटेक करेगा और CO2 रिमूव करेगा, और जिस ऑक्सीजन को इंडिविजुअल इनटेक करेगा उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी CO2 एंड वाटर का प्रोडक्शन होगा। CO2 बॉडी से रिमूव कर जाएगी, एनर्जी को सेल यूटिलाइज करेगा। क्लियर, एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट रहेगा जो सेल अगेन उसको भी यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इसमें देखिएगा, इट इज द प्रोसेस इन विच फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसफर किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में। क्लियर, नेक्स्ट एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए, बाहर निकाला जा रहा है, उसे हम लोग बोल देंगे एक्सक्रीशन। क्लियर, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हो गई, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन चारों के अलावा भी बहुत सारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती हैं, लाइक रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ये सब लाइफ प्रोसेस हैं, ये सारी बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। सेल को हम लोग जानते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल को हम बोल देते हैं टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम बोल देते हैं ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। क्लियर, ग्रुप ऑफ
ऑर्गन्स को हम बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं कंप्लीट ह्यूमन बीइंग और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखिएगा, ये सेल है, इधर ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक वाटरी लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं लाइक माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? गॉल्गी बॉडी, सेक्रेटरी ग्रैनुल्स। क्लियर है कि नहीं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। क्लियर? और हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एग्जांपल लीजिएगा माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया का मेन फंक्शन होता है एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्लियर है कि? ऐसा नहीं कि माइटोकांड्रिया का जो फंक्शन होता है वो राइबोसोम करेगा, राइबोसोम का फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन न्यूक्लियस करेगा, ऐसा नहीं है। हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स हमने बताए हैं, जैसे आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Inside the plasma membrane, number of cell organelles are present. Clear? Next, cell organelles are smaller structures. Next, each cell organelles have specific function. हर एक cell organelles का अपना एक specific function होता है. Next, कौन कौन से cell organelles पाए जाते हैं cytoplasm में? Like nucleus, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच वेयर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्लियर? हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जैसे कि मैंने बताया कि माइटोकांड्रिया का मेन फंक्शन एटीपी का प्रोडक्शन, राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम का फंक्शन माइटोकांड्रिया करेगा या माइटोकांड्रिया का फंक्शन राइबोसोम करेगा। हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे रिलेटेड ये जनरल पॉइंट्स हैं जिसमें लिखा गया है इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल होती है। द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नियर अबाउट 100 to 215 angstrom। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर आयंस एंड मोलिक्यूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ आयंस और कुछ मोलिक्यूल्स के लिए ही परमिएबल होती हैं, कुछ आयंस एंड कुछ मॉलिक्यूल के लिए, मतलब सेलेक्टेड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमिएबल रहती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जिस मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है उस मॉडल का नाम दिया गया है फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड मोजैक मॉडल को दिया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने, है ना? फ्लूइड मोजैक मॉडल के अकॉर्डिंग, मीन्स सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लिपिड लेयर, मीन्स लिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है। क्लियर है कि? सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये देखिए स्ट्रक्चर, क्लियर है? ये जो आपको दिख रहा है ये लिपिड है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लिपिड है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का पोर्शन ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन जहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसे हम लोग बोल दिए क्या? ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। लिपिड की एक लेयर ये हो गई, हर एक लेयर, लिपिड की हर एक लेयर में एक हेड रहेगा, एक टेल रहेगा। देखो ये हेड है,
और ये टेल है, इधर हेड है, ये टेल है, क्लियर है। इसीलिए बोला गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लिपिड लेयर, क्लियर। अब लिपिड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक हेड पाया जाएगा जो पोलर होता है और दूसरा टेल पाया जाएगा जो नॉन पोलर होगा, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। पोलर पार्ट का मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर पार्ट का मतलब क्या हो गया। पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक। पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कई सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कई सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो पोलर हेड से स्टार्ट होती हैं, एक छोर से स्टार्ट होंगी और दूसरे छोर पर ख़त्म होंगी। इस प्रोटीन को बोल दिया जाता है इंट्रेंसिक प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, देख रहे हैं ये कौन सी प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो केवल पेरिफेरल पे ही पाई जाएंगी, उन्हें बोल दिया गया पेरिफेरल प्रोटीन्स। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, जैसे देखिए है ना, ये पेरिफेरल प्रोटीन ही है लेकिन इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं तो हम उसे बोल देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्लियर है कि नहीं। तो कई सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, क्लियर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये जनरल पॉइंट्स है, अब हम उसे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड मोजैक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बायोलिपिड लेयर। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलिपिड लेयर की बनी होती है, लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोजैक लाइक, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन कंपोनेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोजैक लाइक। इट मीन्स ये जो प्रोटीन्स पाई जा रही हैं इनका जो शेप है ये मोजैक लाइक है, देख रहे हैं इधर देखिए ये मोजैक लाइक शेप है, क्लियर, ये मोजैक लाइक शेप है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, दीज प्रोटीन्स प्रोवाइड फ्लूडिटी टू द मेम्ब्रेन। इस प्रोटीन्स की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं ये मूव करती रहती हैं। अगर प्रोटीन्स मूव कर रही हैं तो इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मूव कर रही है, क्लियर है कि नहीं। कोई भी चीज़ अगर मूव करता है तो हम बोल देते हैं कि ये एक डायनेमिक नेचर की है, क्लियर है कि ये एक डायनेमिक नेचर की है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्पीपैथिक इन नेचर। एम्पीपैथिक मतलब क्या हुआ, एम्पीपैथिक उन कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, क्लियर। एम्पीपैथिक उन कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोलर हेड पाया जा रहा है और नॉन पोलर टेल पाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं एम्पीपैथिक इन नेचर, क्लियर। नेक्स्ट, पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, जैसे मैंने बताया हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, है ना। पोलर पार्ट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। पोलर पार्ट क्या है, आउटवर्ड बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे ये पोलर पार्ट है, ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, इधर देखिए ये पोलर पार्ट है, ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, जबकि नॉन पोलर पार्ट ये इनवर्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, पोलर पार्ट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, क्लियर। नेक्स्ट, नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड नॉन पोलर पार्ट इज डायरेक्टेड इनवर्ड अंदर की तरफ। देखिए नॉन पोलर पार्ट ये है, ये जो आपको धागा दिख रहा है, ये टेल दिख रही है, ये अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, क्लियर, वही इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारी प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, लाइक इंटीग्रल प्रोटीन्स,
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पेरीफेरल प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पेरीफेरल प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. क्लियर, ये चार तरीके की प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं. प्रोटीन्स मीन्स एंजाइम्स. प्रोटीन मीन्स क्या हो गया, एंजाइम्स हो गया. ये प्रोटीन्स एक्चुअली जो पाई जा रहे हैं ये चैनल की तरीके से वर्क करती हैं. मतलब कोई भी चीज़ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो इसी प्रोटीन को क्रॉस करके ही साइटोप्लाज्म में आएगा. क्लियर. नेक्स्ट देखिएगा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है. इट प्रोटेक्ट टू द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है. क्लियर. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल को जो है एक शेप मिलता है. इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल. नेक्स्ट, इट हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड मटेरियल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें हेल्प कर देता है, इंजेशन. इंजेशन मीन्स खाना. क्लियर है कि नहीं. इंजेशन मीन्स इनटेक करना, कोई भी चीज इनटेक करना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, है ना. इंजेशन ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड मटेरियल. किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड मटेरियल को खाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें हेल्प प्रोवाइड करता है. क्लियर. इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये पॉइंट क्लियर होगा. इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स अगर सेल के अंदर जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही जाएगा. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है. मतलब कुछ सेलेक्टेड आयंस या मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं सेल के अंदर. क्लियर. नेक्स्ट, इट सेपरेट इनर एनवायरनमेंट टू द आउटर एनवायरनमेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल के अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रहता है. क्लियर है कि नहीं. सेल के अंदर का एनवायरनमेंट मीन्स जिसमें साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे हैं. सेल के बाहर का एनवायरनमेंट मीन्स ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पोर्शंस. क्लियर. इसलिए ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दोनों को सेपरेट रखता है. क्लियर. तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, उसमें हम कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू.